सर रात में बाथरूम करने निकले थे बाहर, तो कुछ लोग का मूवमेंट देखे, तो फिर हम अंदर घर चलाए थे। हमको लगा इस टाइप का कुछ है, डाउट हुआ था, क्लियर नहीं थे, लेकिन दो सेकंड के अंदर सब लोग आ गए थे। तो पापा को मेरे खोज रहे थे, तो हम बोले पापा नहीं हैं, तो हम हैं, तो बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने बोले पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो हम बोले 5 मिनट टाइम दीजिए, हम बुला देते हैं, मार्केट में हैं। तो वो लोग हमको पीछे बांध लिए हाथ और रस्सा कमर में बांध लिए, चल दिए। फिर आगे दूर तक गए, मुसहरी गाँव है आगे, उससे आगे गए तो ऊपर से पता नहीं कौन सा कपड़ा था, पूरा एकदम ढका हुआ था, वो डाल दिए। उसके बाद फायरिंग वगैरह का आवाज़ आया था, लेकिन हम लोग को पूरा दौड़ाते हुए ले गए। उसके बहुत दूर तक गए, कम से कम को 6-7 घंटा कंटिन्यू हम लोग चलते ही रहे। उसके बाद वहीं पे रखा, मारपीट पे जी सर, पूरा हाथ बांधा, पैर बांधा, कमर बांधा, यहाँ गले में हल्का सा था, टाइट नहीं था, बस था रस्सी, पूरा बांध के रखा था गाछ में, और कुछ बोलते तो मरने लगता था। क्या अगली बात सर, क्यों ले गया कुछ पता? सर हमको कुछ नहीं मालूम, वो तो पापा को लेना है सर, तो बोले उन्हें तो तुमको चलना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते सर, सबके पास हथियार था, हम तो नहीं आता था। कल कहाँ पे रिहाई किया आपको? कल उधर कजरा के उधर था सर, पहाड़ पता नहीं कौन सा, शाम में हमको वही कितना बजे टाइम तो मालूम नहीं था सर, पूरा मुँह ढका रहता था। उधर से भी हम 7-8 घंटा कंटिन्यू चले सर, तो फिर वहाँ कहीं उतारा हमको और मुँह खोल दिया, बोला पीछे नहीं घूमना है, नहीं तो गोली मार देंगे। आगे लाइट था गांव का शायद, तो बोला सीधे तुम जाते रहो, हम यहाँ से तुमको देखते हैं। तो सर हम वहाँ से दौड़ के गए, तो अंदर गांव गए, तो वही हमको लगता 10-11 बज रहा होगा रात। तो गाँव वाले से हम पूछे, गाँव में भी आदमी नहीं था, किसी तरह कोई मिला है वो बाइक वाला, शायद वहाँ कोई भोज भात हो रहा था। तो हम पूछे कौन सा जगह है, तो वो बोला कि कजरा है मतलब। तो हम बोले स्टेशन कैसे जाना है, तो फिर रास्ता बताया, तो स्टेशन गए। तो मेरे पास तो मोबाइल दिया था, लेकिन सिम था नहीं उसमें से, हम लगा ऑन किया मोबाइल, इंसर्ट सिम बता रहा था। तो फिर हम किसी से लिए, वहाँ से नंबर स्टेशन वाले से मांगे, तो लोग, मेरा हालत बहुत ख़राब था सर, कीचड़ उचड़ में पूरा पड़ गया था, पूरा कपड़ा पूरा मतलब कीचड़ कीचड़ हो गया था, गिर भी गए थे। तो वो लोग हमको बात नहीं करा रहे थे, तो उनको बोले आप ही बात कर लीजिए, आप सिर्फ मेरे गार्जियन को बोलिए कि हम कजरा में हैं, अब जो होंगे अपना, क्योंकि ट्रेन भी नहीं था सर, कोई DMU निकल गई थी, हम इंक्वायरी में पता किए थे। तो वही लोग बात कराए, तो पापा फिर आए थे, ले गए थे, फिर वही 1-2 बजे रात का। वहाँ पे खाने पीने के लिए क्या था? नहीं सर, खाया तो जाता ही नहीं, इतना मार का दर्द था सर, भूख तो लगता ही नहीं था। काफ़ी संख्या में नक्सली सर, दिखा नहीं कितना था, लेकिन हमेशा यहाँ यहाँ सटा के रखता था। महिला नक्सली भी थी उसी? नहीं सर, हमारे सामने कोई बात ही नहीं करता, फुसफुस टाइप से बात करता था, सब दूर हट के बात करता होगा सर। जब गोली चलने की आवाज़ आई होगी तब तो काफ़ी डर लग रहा होगा आपको? सर हमको तो मार ले जा रहा था सर, पीछे से भी मार रहा था और आगे से भी बोल रहा था चलो चलो गोली मार देंगे, पुलिस आ गया है बहुत जल्दी। तो हम तो सर डर के मारे जा रहे थे सर, अगर हम भागते तो और हमको गोली मार देता सर, इसीलिए हम जाते रहे सर। जी सर।